Hello everyone, welcome you all to my channel. I'm Chef Ashwinder Kaur Agarwal. So, आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं लेफ्ट ओवर टाकोस. जी हाँ, घर में बहुत सारी रोटियां कई बार बच जाती हैं, तो रोटियों का क्या किया जाए, उन्हें फेंकने के बजाय उन्हें रीयूज कीजिए. और आज हम बना रहे हैं उन लेफ्ट ओवर रोटियों से टाकोस. तो देखते हैं कैसे बनता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट ओवर रोटियाँ जो बची हुई हैं. ये अब हम इससे बनाएंगे अपने टाकोस. इस तरीके से हम अपनी रोटीज को हमारे रैक पे लगा देंगे जो हमें माइक्रोवेव के साथ या ओवन के साथ मिलता है. इन्हें मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ. आप बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 5 to 10 मिनट्स. तो मैं इन्हें फिलहाल माइक्रोवेव कर रही हूँ. माइक्रोवेव करने से भी ये बहुत अच्छी ग्रिल कर, बेसिकली माइक्रोवेव में ग्रिल ऑप्शन चलाना है आपको. ये बहुत अच्छी ऐसे क्रिस्पी बन हो जाता है. थोड़ा हॉट है, इसे मैं ऐसे उतार लूंगी. तो ये देखिए, ये बिल्कुल हमारी टाको की शेप ले लेती है इस तरीके से. तो चलिए हमारे जो टाकोस हो गए थे उनकी फिलिंग करनी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इसमें मैं जो डालूंगी वो डालूंगी अपनी सालसा सॉस. सालसा सॉस मैं यहाँ पे हैबिनेरो स्पाइसी सालसा सॉस यूज कर रही हूँ. ये खाने में बहुत ही टेस्टी रहती है. तो ये मैं इसमें सबसे पहले फिल करूंगी क्योंकि मुझे अपने टाकोस थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं. और आफ्टर ऑल हम ये लेफ्ट ओवर रोटी से बना रहे हैं तो ये और भी टेस्टी हैं. फिर हम इसमें डालेंगे अपनी आइसबर्ग. अच्छी तरीके से फिल कर लीजिए इसे आप. देखिए सम अनियंस, थोड़े से इन्हें खोल के अनियंस को डालेंगे. बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी टाकोस हैं ये. आप अपने बच्चों को कभी भी चपाती बची हुई है आप इसे इस तरीके से बनाइए. लेफ्ट ओवर चपाती का यूज कीजिए उसे फेंकने के बजाय. यहाँ पे हम टमाटोज रख देंगे और यहाँ पे मैंने कुछ कैप्सिकम्स को सौते कर लिया है ऑलिव ऑयल के साथ और हल्के से सॉल्ट के साथ. तो वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे. टाकोस पूरा फिल होना चाहिए. मैंने यहाँ पे किसी भी बीन का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं इन्हें काफी हेल्दी रखना चाहती थी. तो और जो मेरी इनफैक्ट रोटी भी है वो भी मैं आपको बता दूं, जो मेरी लेफ्ट ओवर रोटी भी थी वो मेरी 50% ब्रान और 50% आटे के साथ बनी हुई रोटी है. तो इसलिए मैं इसे टोटली हेल्दी रखना चाहती हूँ. तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके से बनाया है. मैं सिर्फ इसे वेजीज के साथ और कुछ सॉसेस के साथ बना रही हूँ. आप चाहें तो आप इसे किसी भी और तरीके से भी बना सकते हैं. इसमें आप बेसिकली किसी भी तरीके की फिलिंग डाल सकते हैं. आप इसमें राजमा डाल सकते हैं, जैसे मैक्सिकन राजमा होते हैं टाकोज में. थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं इसमें फॉर टेस्ट. उसके बाद बहुत हल्का सा हम लोग सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे. यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्वीट चिली सॉस. इसको थोड़ा सा ड्रिजल कर रही हूँ ऊपर से. और अब हम इसे पहले एक प्लेट में निकाल लेते हैं अपनी. यहां पे अब मैं थोड़ी सी डाल रही हूं मिंट, ये आपकी मस्टर्ड मेयोनीज. यहां पे मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूं मिंट मेयोनीज. ये हमारी है मिंट मेयोनीज. ये मैं पहले डाल लेती हूँ मस्टर्ड सॉस. हमारी मस्टर्ड जो सॉस होती है नॉर्मल, वो ये आपकी चॉइस है. आपको अच्छी लगती है तो आप डालें. मैं यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है. उसके बाद ये हमारी है नॉर्मल मेयोनीज. इसके साथ हम इसे इस तरीके से ड्रिजल करेंगे. और अगेन ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सी अपनी सालसा रख देंगे.
यहाँ पे मैं इसे सर्व करूंगी थोड़ी सी स्वीट चिली के साथ। तो देखिए हमारे टाकोस बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कैसे लगी आपको ये रेसिपी? दिस इज फुल ऑफ एनर्जी वाला टाको। आपको जब खाने का मन करे इसे लेफ्ट ओवर रोटी से बनाइए और खाइए, या सिर्फ रोटी बना के भी आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना है हमारा टाको। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आई है रेसिपी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय।